अवैध नशापान के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी के निर्देश पर गुमला पुलिस की टीम के द्वारा शहर के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में शराब, बियर और अवैध नशीली सिरप बरामद किया गया है। शुक्रवार की शाम गुमला थाना परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन कर एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने पूरे मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने ससैत रोड गुमला निवासी विनोद कुमार, रजा कॉलोनी निवासी मोहम्मद आरिफ और शास्त्री नगर निवासी सुरेश केशरी शामिल है। को लेकर पूरे जिले में अवैध शराब, हथियार और जिसमें पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध में, अपराध कर्मियों के विरुद्ध में टीम बनाकर छापेमारी करी जा रही है। इसी को लेकर दिनांक 28 तारीख को भी टीम बनाकर अवैध नशीले पदार्थ और शराब पर छापेमारी की गई, जिसमें एक विनोद कुमार के किराना दुकान से 10 पेटी गॉड फादर, जिसमें 240 गॉड फादर केन बियर और ऑफिसर च्वाइस का 38 बोतल और देसी शराब, डच कंपनी का देसी शराब 17 बोतल और बरामद किया गया, जिस पर उससे संबंधित कागजात में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए और उनको रंगे हाथ विनोद कुमार को देसी शराब के साथ में पकड़ा गया। और इसी क्रम में दूसरे टीम के द्वारा शास्त्री नगर में पता चला कि शास्त्री नगर में 2 व्यक्ति वहाँ पर नशीला पदार्थ फॉरेक्स बेच रहे हैं, जो नौजवान बच्चों को बहुत हानि पहुँच रहा है, जिसको लेकर वहाँ भी तुरंत टीम गई और छापामारी की। वहाँ 2 व्यक्ति मोहम्मद आसिफ और सुरेश प्रसाद केसरी को फॉरेक्स के करीब 60 बोतल के साथ उसको रंगे हाथ पकड़ा गया। उसी पकड़ के सभी अभियुक्तों को न्याय के भेजा जा रहा है। इस टीम में थाना प्रभारी पुनी सर, थाना प्रभारी विनोद कुमार और सब इंस्पेक्टर नितेश कुमार मिश्रा, पुअनी मोहम्मद मुजम्मिल और पुअनी दिलीप टुड्डू, पुअनी आलोक कुमार और महिला पुलिस खुशबू कुमारी और पुअनी मोहम्मद मुजम्मिल और सशस्त्री बबलू बेसरा सात सशस्त्र बल के लोग छापेमारी किए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया गया और इस क्षेत्र में पूरे गुमला जिला में इनके विरुद्ध विशेष छापेमारी चलाई जा रही है और इस पर हम इस जो बरामदगी की है, इससे बहुत नशीले बेचने वाले पदार्थों को बेचने वाले लोगों पर काफ़ी अंकुश लगेगा, जिससे इस क्षेत्र में जो अपराध घटना घट रही थी बहुत उस पर अंकुश लगा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।